नाजरीन आदाब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू य की जानब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है आज हम फन और फनकार के तहत एक बेहद अहम अफसाना नगार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वो अफसाना नगार नावल नगार ड्रामा नगार हैं जनाब मोहम्मद मजहर ज्ज़मा मदर उज्जमा ख़ास साहब का आबाई वतन बिदर है लेकिन आप बचपन में ही हैदराबाद तशरीफ़ ले आए और फिर यहीं के हो रहे आपके कई अफसानी मजमूे नावल ड्रामों के मजमूे शाइ हो चुके हैं इसके अलावा तनकीदी मजामी भी आपके शाइ हो चुके हैं रेडियो के लिए भी आपने कसरत से लिखा है आपके अफसानी मजमूे ख़ास तौर से दस्तकों का हथेलियों से निकल जाना शोरदा ज़मीन पर दम बखुद शजर इस आबाद ब्याबा में एक शहर जो कभी आबाद था ये तमाम आपके अफसानवी मजमुए हैं इनके अलावा आपने आखिरी ज़मीन और आखिरी दास्तान गो के नाम से बेहद अहम नावे लिखे हैं जिनकी इलमी और अदबी हलकों में ख़ासी पजीराई हुई है इनके अलावा आपके ड्रामों का मजमु दर्द का पोर्ट्रेट के नाम से शाया हुआ है मजारा खां साहब हैदराबाद की इलमी व अदबी महफिलों की जान समझे जाते हैं इनकी इलमी व अदबी ख़दमा के अतराफ़ में कई अहम इनामत एजाजात भी पेश किए गए हैं जिनमें मुख्तफ अकादमियों के इनाम शामिल हैं आज हमारी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में मोहम्मद मजहर ज़मा ख़ास साहब तशरीफ़ फरमा है आज हम उनसे उन्हीं की ज़बानी उनका अफसाना सुनेंगे आपका खैर मकदम है सर उर्दू नामा के इस प्रोग्राम शुक्रिया तो, मैं मशहूर हूँ आप लोगों का अब मैं मोहम्मद महरूज़म ख़ास साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना अफसाना उर्दू नामा के सामीन नाजरन के लिए पेश फरमाएँ इस कहानी का अनवान है सदी का आखिरी हुक्मरान एक लंबे अरसे से सूरज बादलों से बाहर नहीं आया था और ना बारिश की एक बूंद कहीं गिरी थी कि ज़मीन जगह जगह से मुँह खोल चुकी थी और वो बीज जो ज़मीन से बरामद होने वाले थे उसके अंदर ही छुप कर बैठ गए थे कि वो बाहर आने में डर महसूस कर रहे थे और हर तरफ कोहर ही कोहर फैली हुई थी ऐसी कोहर जिसमें हवाओं की सुनगुन भी महसूस नहीं की जा सकती थी लगता था कि हवाएं बंद हो चुकी हैं बल्कि खामोश हो चुकी हैं कि अगर अपनी आज़ादी से चलेंगी तो इन्हें द कर लिया जाएगा कि हर तरफ एक खौफ की कैफियत तारी थी ऐसी खौफजदा कैफियत जिसमें जिस अंदर से कांप रहे थे कि हाकेम शहर ने ऐलान कर दिया था कि सब शहरी अपने अपने वजूद के सबूत में अपनी अपनी आमल लाकर में शहर के सामने पेश कर दें कि यही इस शहर में इनके वजूद की हकीकी पहचान और सच्चा सबूत होगी कि वाकई वही शहर के हकीकी बाशिंदे हैं और जिनके पास अमल नहीं होगी शहर छोड़ देना होगा और इसकी तामील के लिए एक मुख्तसर मुद्दत दी गई थी और जो लोग इस मुकर तारीख तक अपनी आमल लाकर जमा नहीं करेंगे इन्हें शहर में रहने नहीं दिया जाएगा और उसे किसी भी सूरत में शहर छोड़ देना होगा और जो हाकिम के हुक्म से इनकार करेगा हाकिम वफादार गुलामों से शहर की फसील पर रखकर इसकी गर्दन उड़ा देंगे और जिस दिन से हाकिम शहर ने यह हुक्म जारी किया था सारे शहरी जिनके पास अवल मौजूद नहीं थी परेशान हो गए थे किस तरह अवल हासिल की जाए और जिन औरतों के पेटों के अंदर बच्चे मौजूद थे वह सब की सब औरतें हीरे जवारा से ज़्यादा अपने अपने बच्चों की अँवलों की हिफाजत के मतलब सोच रही थी और जो औरतें ताज़ा ताज़ा बच्चों को जन्म दे चुकी थीं वो पूरी तरह इन बच्चों की आंवलों की हिफाजत में लगी हुई थी और शीशे के मर्तबानों में मोहरें लगा कर को रखा जा रहा था लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा था कि बाज़ दवाखानों से बच्चों की आँवलें गायब होती जा रही हैं और दवाखाने वाले आंवल चुरा चुरा कर बड़ी भारी कीमतों के साथ फरोस्त कर रहे हैं और बाज़ शहरी का कहना था कि हाकिम शहर अपने आदमियों में अपने महल से आंवल तकसीम कर रहा है यह करवा रहा है बहरहाल पूरे शहर में एक खलबली मची हुई थी और खौफ की लहरें तकरीबन तमाम शहरीों के जिस्मों के अंदर दौड़ रही थी क्योंकि शहरीों को मालूम ही नहीं था कि एक ऐसा भी हाकिम शहर में आएगा जो शहरीों को अपनी अपनी आमल शिनाख्त के लिए पेश करने का हुक्म देगा वरना शहर बदर कर दिया जाएगा या फिर फांसी पर लटका दिया जाएगा इसके अलावा सारे शहर में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी गश्त कर रही थीं कि रात के दूसरे या तीसरे पहर जब तमाम शहरी गहरी नींद में डूबे होते हैं एक दिखाई न देने वाला होला आता है और वो शहरियों के सरों में नींदें डाल कर उनकी यादें अच्छे ख़्वाब या सुनहरे माजी के साथ इल्म व अकल को निकाल कर गायब हो जाता है जिसकी वजह से अक्सर शहरी अपने माजी के साथ अपने आवाब व अजदाद को भी भूलने लगे हैं और बास शहरीों का कहना था बल्कि एक हकीक़त थी कि रात के आखिरी पैर शहर के, के बुलंद ब्रिज पर एक ज्योखाम जिसम आकर ये आवाज़ लगाता था कि तुम्हारे सा, तुम्हारी समातें तुम्हारी तमाम हिस्से शनाख्त और नामों को वो जो जो तुम्हें नज़र नहीं आता एक तारीख चादर में लिपेट कर एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहा है जहाँ से किसी को भी किसी की खबर नहीं होगी इसलिए अपने आप को समझो और जिस कदर बेदार रहना चाहते हो बेदार रहो कि तुम्हारी बेदारी ही तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी पहचान की सदाकत है वरना एक दिन तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम और तुम्हारे आबाव भी इस शहर में मौजूद थे इसलिए बेदार रहो काफ़िलों की कोई मदद नहीं करता लिहाजा काई पर जमी हुई मच्छरों की तरह मत रहो बहरहाल, तमाम शहरियों के चेहरों पर सवारियाँ आलामतें नज़र आने लगी थी ताहम आस पास की ज़मीनों पर सन्नाटा फैला हुआ था जो और जो, जो जो तारीख करीब आती जा रही थी तकरीबन शहरी अपने अपने घरों की ज़मीनों को खोदने के मुताल गौर कर रहे थे कि शायद इन्हें अपने अपने घरों के आंगन में आमल मिल जाए क्योंकि घरों में पैदा होने वाले बच्चों की आवल दाई घरों ही में के सहन में दफन कर दिया करती थी इसलिए शहर के कई बेअल शहरियों ने अपने अपने घरों के आंगनों की खुदाई शुरू कर दी थी लेकिन कहा जा रहा था कि खुदाई में आमल के बजाय कहीं धूप के चमकदार टुकड़े तो कहीं आईने बरामद हो रहे हैं और कहीं खदीम और हकीकी तारीख के बेदाग और हुमा और शाहीन के बाल पर और कबूतरों फाखतों के सर मुर्ख की बांग कलगी मुख्तलफ़ परिंदों के नचे हुए पर मकतूबा रोशनी के टुकड़े जो कहते हैं कि तहजीब की निशानियों की शक्ल में ज़मीन के अंदर से बरामद हो रहे थे इसके अलावा सुना जा रहा था कि जानवरों की आवलों तक शहरी हासिल कर रहे थे और जैसे जैसे दिन खरीब होते तो जा रहे थे और अवल जमा होने की आखिरी तारीख नज़दीक आती चली जा रही थी सारे शहर में खलचल मची हुई थी किस किस तरह आमल हासिल की जाए सूरज अभी तक बादलों से बाहर नहीं निकला नहीं था और बादल भी अपनी अपनी जगह से एक ईज़ भी इधर उधर नहीं हुए थे जहाँ ठहरे हुए थे बस वहीं ठहरे हुए थे और कोहर में हनूस हफ्स की कैफियत बाकी थी और शहरीों के जिस्मों के बाल खड़े हो गए थे और रुतबत जारी थी तमाम दरख्त अपनी अपनी जगह दमबखुत खड़े हुए थे कि उनकी शाखों पर कुल्हाड़ियाँ लटक रही थी और परिंदे अपनी अपनी चोंच अपने अपने परों में छुपाए आंखें बंद किए चुपचाप बैठे हुए थे कि हर दरख्त की शाख से सांप लिपटे हुए थे जो परिंदों के ताज़ा ताज़े अंडे तोड़ तोड़ कर पीते चले जा रहे थे कि कहीं सांपों के डसने का डर था दरख्तों के जस्मों पर एक भी पत्ता मौजूद नहीं था कि सारे पत्ते खौफ की वजह से गिर चुके थे और कई औरतें और मर्द वक्त से पहले ही बूढ़े होते चले जा रहे थे कि सारे शहर पर एक राशा तारी था चुनाचे आमल जमा करने का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा था हाकिम शहर के गुलाम मुसलसिल ये ऐलान करते हुए शहर में घूम रहे थे कि वक्त नज़दीक आ चुका है लिहाजा सब शहरी अपने अपने आमल लाकर हाकिम शहर के सामने पेश कर दें वरना फांसी के लिए तैयार हो जाए या फिर शहर छोड़कर कहीं और निकल चुनाव चुनाच मसलसल जद्दोजहद और लगातार तगदो के बाद जब बेशुमार शहरियों को आमल नसीब नहीं हुई तो शहर बदर कर दिए गए और वो दूसरे शहरों की तरफ कूच कर गए थे लेकिन दूसरे शहरों के हाकिमों ने भी इन्हें पनाह नहीं दी थी और वो शहरों से बाहर निकल गए थे और इस तरह किसी ज़मीन या पानी पर भी उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला था और वो मुसलसिल भटक रहे थे रावी कहता है जिसके जिस शहर के हाकिब ने उन्हें अपने मुकाम से शहर बदर किया था वहाँ शहर अपने महल और अपने तमाम गुलामों के साथ जुजाम में मुतला हो गया है और सारे शहर में इस कदरताफुन फैला था कि आसपास के शहर वाले भी अपनी अपनी नाकों पर रुमाल मानने लगे थे वाह खूब असर हाज़िर की हर्ष सामानियों को हमारे अहद की बेचैनी इस तराब और इंसानी ज़िंदगी को जो मसाइल दरपेश उन तमाम को नहायत ही बलीों के सहारे मजहर जम ख़ान साहब ने इस अफसाने में पेश कर दिया है हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं सर आपने इस बेहतरीन अफसाने से हमें महजूज़ होने का मौका इनायत किया और हमारे नाजरन को ये अफसाना सुनने का मौका इनायत किया बेहद शुक्रिया मैं मशकूर हूँ आप लोगों का नाजरीन अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए के साथ उनकी किसी और अहम तख्लीक के साथ तब तक हमें इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज